हरे कृष्णा। आप सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर पिताई भगवान की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एक भक्त थे, जगन्नाथपुरी में बहुत सारे पंडे होते हैं ना, तो एक पंडा था जिसको भगवत गीता के ऊपर बहुत विश्वास था। वो रोज भगवत गीता पढ़ता था। जगन्नाथपुरी में ही वो पंडा जी रहते थे और रोज भगवत गीता का पाठ करने के कारण उनका नाम हुआ गीता पंडा। ठीक है, और ये सत्य घटना है, ये कोई मनगढ़ंत या कहानी नहीं है, 15वीं शताब्दी की बात है। तो गीता पंडा को भगवत गीता पर बहुत विश्वास था। अब जैसे नाम से समझ सकते हैं गीता पंडा, चूंकि वो हमेशा गीता पढ़ते थे, गीता के ऊपर बोलते थे, इसलिए लोगों ने उनका नाम ही रख दिया गीता पंडा। उसको गीता का पाठ किए बिना उनको कुछ और करना पसंद नहीं था। परंतु एक समय की बात है कि अकाल हो गया, अनाज उपजा नहीं और सब जगह गरीबी, भूखमरी इत्यादि छा गई। तो जगन्नाथपुरी में यही हाल था, बुरा हाल था, किसी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो गीता पंडा की पत्नी ने कहा कि हमारे 3 बच्चे हैं और हम 2, 5 लोग हैं, 5 लोगों को खाना है और आप हमेशा भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, भिक्षा मांग कर लाइए, कहीं से धन लाइए ताकि हम सब लोगों का पेट भर सके। तो वो पत्नी बोल रही है, फिर भी पंडा जी अपना भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा था, झुंझला झुंझला कर बोल रही थी कि क्या करेगा भगवत गीता, भगवत गीता थोड़ी हमें खाना खिला देगा, भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, भिक्षा मांगने जाइए, कुछ अनाज लाइए, कुछ धन लाइए। उन्होंने कहा कि देखिए, देखो धर्म पत्नी को कि सब कुछ भगवत गीता पढ़ने से होता है। भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति करो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ भगवान पे समर्पित करो और भगवान की भक्ति करो और भगवान देख लेंगे कि हमारा कैसे गुजारा होगा। पत्नी ने कहा नहीं, भगवान ने कहा है अपना कर्म करो, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, कर्म ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो पत्नी को जो समझ थी उसके हिसाब से पत्नी बोल रही थी। पति बहुत अच्छे भक्त थे, पति को पता था कि परीक्षा की घड़ी है और भक्त को हमेशा भगवान पर विश्वास रख करके अपनी सेवा करनी चाहिए। पति ने कहा ठीक है, मुझे पूरा करने दो, ये जो पाठ मैंने शुरू किया इसको पूरा कर लूँगा, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम जो बोल रही हो वो करूँगा। पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, बहुत चिल्लाई। तो पति ने कहा कि देखो, भगवत गीता के जो वचन हैं वो पूर्ण हैं, सत्य हैं, भगवान के मुख से निकला है। चूँकि जगन्नाथपुरी में थे वो, इसलिए जगन्नाथ भगवान वहाँ के प्रिजाइडिंग डीटी हैं, वहाँ के प्रधान विग्रह हैं। तो पंडा जी ने कहा कि ये जो भगवान है ना जगन्नाथ, यही बोले हैं भगवत गीता, इनका ही एक दूसरा रूप है कृष्ण का, जो अर्जुन के रथ को चलाए और उन्होंने भगवत गीता कहा, भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है, इसका एक भी शब्द गलत नहीं होता है। और भगवान ने कहा है अनन्यस चिंतयन तो माम ये जनाह पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम, वहाँ में हम जो अनन्य भक्ति करता है उसकी मैं सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, जो है वो रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो ला कर देता हूँ, ढोकर ला कर देता हूँ। पत्नी ने कहा ये गलत बात है, हम इसको नहीं मानते। पति ने कहा कि इसके एक भी शब्द को तुम यदि गलत कर दो तो मैं मान जाऊँ। पत्नी ने एक कलम लिया और काट दिया भगवान के इस वाणी को, योगक्षेम वहाँ में। पति को बहुत बुरा लगा, रात को बिना बोले, बिना खाए पिए, खाने का तो था भी नहीं कुछ घर में, वो सो गए। और सुबह उठे तो बहुत दुखी थे, फिर भी अपना जो नित्य कर्म था करके भिक्षा मांगने के लिए गए। पत्नी चिल्लाती रही सुबह उठ करके भी। फिर कुछ देर समय बीतने के बाद, बहुत लेट बीतने के बाद आए घर, कुछ भिक्षा नहीं मिला।
पत्नी ने कहा था आज पांच गांव जानना मांगने के लिए, पांच घर नहीं पांच गांव, पांच गांव में तो कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। आ गए और फिर से सो गए, सोए नींद से नहीं, थोड़ा थोड़ा अर्ध निद्रा में, शाम का समय था। इसके बाद दरवाज़ा खटखट हुआ, दरवाज़ा खटखट हुआ तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पत्नी ने देखा एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है और उसके कंधे पर, दोनों कंधे पर बांस का जो रखा रहता है, जिसको कहते हैं, जिसमें जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को दोनों तरफ से बैठा के ले गया था ना, वैसा बना के, और सामग्री, इतनी सामग्री इधर, इतनी सामग्री इधर, इतनी सामग्री, इतनी सामग्री, कुछ कहते हैं बैलगाड़ी पर, कुछ कहते हैं वो खुद उठा के लाए थे, पर वो खुद ज़रूर लाए थे उठा कर। तो इतना सामान था, या तो फिर थोड़ा भी लाए तो भगवान की कृपा से सामान भरता जाता है। तो उन्होंने कहा जो बच्चा लाया था कि गीता पंडा का घर कौन है? माता ने कहा यही है गीता पंडा का घर। तो वो जो बच्चा थे वो भगवान थे। तो उन्होंने कहा कि माफ़ करना माता, मुझे थोड़ी देर हो गई लाने में, आपको कष्ट हुआ। तो ये आपके पति ने, पति के दोस्त ने भेजा है। पत्नी ने कहा तुम किसी गलत पते पर आ गए हो, क्योंकि मुझे, मेरे पति का कोई दोस्त नहीं है जो इतना सामान भेजेगा। बच्चे ने कहा नहीं, बच्चा यानी भगवान, नहीं नहीं वो जग्गू ने भेजा है, जग्गू यानी जगन्नाथ भगवान। तो अच्छे से समझाया तो माता को समझ में आ गया कि सही बोल रहा है बच्चा। उन्होंने सारी सामग्री रख ली। अब घर में चावल है, दाल है, घी है, तेल है, चीनी है, सब कुछ भर गया, सब्जियां, फल। गीता पंडा सो रहे थे तो पत्नी ने कहा बच्चे को कि आप, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम इतना भारी वजन कैसे लेकर आए? विश्वास नहीं होता है कि इतना वजन तुम उठा सकते हो। तो बोला कि इनका ब्रजेंद्र जो हैं उनका पुत्र हूँ, ब्रजेंद्र नंदन हूँ, और वो छोटा पुत्र हूँ उनका, मैं ग्वाला हूँ, और मेरे आपके जो दोस्त हैं उनके लिए मुझे जग्गू ने, जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने आपके पति के लिए भेजा है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ और मुझे जाना है। पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप रुक जाइए, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी, फिर आप खा के जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है दूसरे जगह, और दूसरी बात है कि मेरा जिह्वा जो है ना वो कट गया है, उसमें घाव हो गया है, तो मैं नहीं खा सकता हूँ। माता ने कहा क्या हो गया, कैसे हो गया? तो उन्होंने दिखाया जीभ कटा हुआ, खून बह रहा है। माता को बहुत दया आई, उन्होंने कहा कि किसने तुम्हारे जीभ को काट दिया? इतना सुंदर प्यारा सा बच्चा है, तुम्हारे जीभ को किसने काट दिया? कुछ नहीं कहा भगवान ने, और भगवान चले गए। उसके बाद ये माता जो थी, यानी कि गीता पंडा की पत्नी, उन्होंने पूरा साज साज जितना सामग्री आया था सबका, सबको अच्छे से किचन में भर लिया और कुकिंग किया। सुबह, तब तक सुबह हो गई जब तक उन्होंने भरा वरा और कुकिंग शुरू किया। सुबह गीता पंडा उठते हैं तो देखते हैं सब सामान बन रहा है घर में, इतनी सारी चीज़ें। पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, कहाँ से ये सब सामान आ गया, और तुम कहाँ से चावल बना रही हो, खीर बना रही हो, ये सब कहाँ से हो गया? तुम्हारे ही, पत्नी ने कहा तुम्हारे ही दोस्त ने दिया है। उसने कहा कि जग्गू नाम का कोई तुम्हारा दोस्त है, वो एक भारवाहक को, यानी जो भार उठा के लाता है, उसको भेजा था और वो ला के दिया है मुझे। बड़ा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा था, घुंघराले बाल थे, सुंदर आंखें थी उनकी, और सब विस्तृत वर्णन कर दिया भगवान का, कि पीली धोती पहने थे, मोर पंख लगा था, सारा वर्णन कर दिया। ये तो समझ गए कि भगवान स्वयं आए थे। गीता पंडा बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने इतनी गालियां दी मुझे, तुम इतना चिल्लाई, और तुम्ही को भगवान ने दर्शन दे दिया और मुझे तो दर्शन ही नहीं मिला। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमने भगवान का दर्शन किया, हम भगवान से बातें की। बोले हाँ,
वो भगवान थे, बता दिया जल्दी तैयार हो और हम चलते हैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। दोनों मिलके तैयार होकर जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। अब भगवान की लीला कैसी है, जगन्नाथ भगवान का जीव तो बाहर निकला नहीं रहता है, लेकिन यदि इच्छा होती है तो सब हो जाता है। तो गीता पंडा की पत्नी ने कहा कि वो जो आया था बच्चा वो नहीं खाया, क्योंकि बोला कि मेरा जीव कटा हुआ है। तो जगन्नाथ जब वो गए जगन्नाथ भगवान के पास, तो गीता पंडा ने अपनी पत्नी को दिखाया, देखो भगवान का जीव कटा है, खून निकल रहा है, क्योंकि तुमने भगवान के वचन को पेन से काट दिया। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यं अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि मैं भार उठा के ला के देता हूँ अपने भक्त को, और वो लाकर दिए तुमको, अपने कंधे पर लाकर दिए तुमको भार उठाकर, चावल दाल घी तेल सब्जी फल। लेकिन ये साबित करने के लिए भगवान भार उठाए कि जो मैं लिखा हूँ भगवत गीता में उसका एक एक शब्द सही, उसे तुम काट नहीं सकती हो, भगवान के वचन को कोई नहीं काट सकता है, पर तुमने काट दिया तो भगवान को बुरा लगा। और तुमने जो काटा भगवान के बुक को, यानी भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक को, तो जीभ को ही तो काटना हो गया, तो भगवान की जीवा कटी हुई है, देखो तुमने क्या काम किया है, खून निकल रहा है। पति पत्नी दोनों भगवान से माफ़ी मांगे, साष्टांग दंडवत किए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पति ने तो कोई अपराध नहीं किया था, पर पत्नी को बहुत शर्म आ रही थी, अपने आप से बहुत नफरत हो रही थी कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया भगवान के बारे में। तो उसके बाद वो लोग घर आते हैं। तो ये जो कथा है ये हमें समझाता है कि कैसे पहली बात तो भगवत गीता के या जो भी भगवान के शास्त्र हैं जिसमें भगवान वचन बोल रहे हैं, कुछ भी वचन भगवान राम ने बोला है या कृष्ण ने बोला है या भगवान विष्णु ने बोला है, जो भी शिव जी ने ब्रह्मा जी ने जो भी बोला है, वो बोलते जो है वो करते हैं, ऐसा नहीं मनुष्यों की तरह बोल दिया कुछ बिना ज़रूरत के भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं, भगवान कुछ भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये फ़र्क है भगवान में और मनुष्य में। भगवान के शब्द जो होते हैं वो अकाट्य होते हैं, उसको काटा नहीं जा सकता। यदि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा तो करूँगा, यदि भगवान ने कहा है सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा, तो सच में ऐसा कर देंगे भगवान। तो यदि भगवान ने कहा था कि मैं भक्त के लिए ढोकर ला कर देता हूँ जो अनन्य भक्त हैं, तो ये सत्य था। गीता पंड्या की पत्नी ये बात को समझी नहीं, इसलिए उसने काटा। ये कथा बताता है कि भगवान के शब्द को काट नहीं सकते। शास्त्र जो होते हैं, शास्त्र के वचन पूर्ण तरीके से सत्य होते हैं, एक भी अक्षर एक भी शब्द उसको नहीं काट सकते। उसको पढ़ने से, उसको सुनने से, याद करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से मनुष्य का कल्याण होता है, सिर्फ उसी मनुष्य का नहीं जो पढ़ रहा है या सुन रहा है, जो पढ़ रहा है उसका, जो सुन रहा है उसका, जो बुक उसको दिया है पुस्तक उसका भी कल्याण होता है, उसके पूर्वजों का भी कल्याण होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने भगवद गीता का पाठ किया, भागवतम का पाठ किया, उसके पूर्वजों का भी कल्याण हो जाता है, उसके खानदान में जो थे उसका भी कल्याण होता है, और आगे के जनरेशन का भी कल्याण होता है। तो ये गीता पंड्या की कथा सत्य घटना है। 15वीं शताब्दी में गीता पंड्या थे, तो हमें इस कथा को मानना चाहिए कि ये सत्य घटना थी और मनगढ़ंत नहीं थी, और कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं सब कुछ, और जैसे पहले करते थे वैसे आज भी करते हैं भगवान। साक्षात आपको प्रमाण मिल जाएगा जब आप भक्ति करेंगे तो। हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।